हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। और आज हम लोग करने वाले हैं टाइप 5 ऑफ ऑफिशियल लेटर। ठीक है, यानी कि पार्ट 6 है ये, हमारे वीडियो का पार्ट 6 है। लेकिन पार्ट 1 में तो हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन वगैरह किया था, तो आज टाइप जो है वो हमारा 5th टाइप है, प्रमोशन लेटर। और मैं एक्चुअली ये वीडियो बनाते हुए काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि ये जो प्लेलिस्ट मैं बना रहा था, ठीक है, ICAI वाली, इस प्लेलिस्ट में आज मैं अपना ये 50th वीडियो जो है वो कर रहा हूँ। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर एनालिसिस वगैरह बनाया है वो ठीक है, पर सिर्फ इस अकेली प्लेलिस्ट का ये मेरा आज 50th वीडियो है। सो यस, आई एम हैप्पी कि चलो मैं इतना अचीव कर पाया हूँ, आप लोगों के लिए इतना काम कर पाया हूँ। और आप लोग भी ऐसी सपोर्ट बना के रखिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर तो ये सारा काम हो नहीं सकता। तो आप लोग भी ऐसी सपोर्ट बना के रखिए और मैं आगे और भी ऐसी चीज़ें, ऐसे ही काम करता रहूँगा। और ये फिलहाल ये पूरा सेशन तो हमें कंप्लीट करना ही है, तो अभी 12-15 वीडियो और तो अपलोड होंगी होंगी इस प्लेलिस्ट के अंदर। जरा पढ़ते हैं प्रमोशन लेटर के बारे में। देखो, इतना तो आपको भी पता है, प्रमोशन आप क्या करते हो, जब भी कोई नई चीज आप ओपन करते हो, कुछ भी नया आप डील लेकर के आते हो, कोई आपने ऑफर एक्सटेंड किया है, कुछ भी नया कुछ भी कर रहे हो, तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप प्रमोशन करते हो। तो जरा पढ़ते हैं इसके बारे में। प्रमोशन लेटर, प्रमोशनल कंटेंट रेफर्स टू द लेटर रिटन टू कस्टमर प्राइमरली टू अप्राइज देम टू सम न्यू डेवलपमेंट लाइक ओपनिंग अ न्यू ब्रांच, ऑफर ऑफर एंड डील्स एक्सटेंडेड बाई देम, और न्यू फैसिलिटीज अवेलेबल। यानी कुछ ना कुछ नया होगा, उसके बारे में आप क्या करते हो, बताने के लिए लोगों को आप प्रमोशन लेटर लिखते हो अपने कस्टमर्स को। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली बात, हाउ टू राइट अ प्रमोशनल कंटेंट। पहली चीज, एडियर टू द बिजनेस इंग्लिश, यानी कि आप जुड़े रहें किससे। एडियर जो वर्ड होता है, इसका मतलब होता है जुड़े रहना। हाँ, हिंदी तो लिख लो, कम जुड़े रहना। ये वर्ड मैंने इसलिए स्पेशली हाईलाइट किया क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर के कई सारे क्वेश्चन पेपर किए हैं जिसके अंदर ये वर्ड जो है सिनोनिम और एंटोनिम के तौर पर आया हुआ है। तो एडियर का मतलब होता है किसी चीज से जुड़ा हुआ रहना, यानी जिससे आपका मीनिंग हो। तो आप बिजनेस इंग्लिश से जुड़े हुए रहे। अवॉइड फैंसी जारगॉन्स, यानी ज्यादा फैंसी चीजें यूज नहीं करनी है, जारगॉन्स वगैरह यूज नहीं करने हैं। टेक्स्ट शुड बी टू द पॉइंट एंड डिस्कस ओनली प्रमोशन, यानी सिर्फ प्रमोशन की बात करें, इधर उधर की बातें ना करें। पर्सनल टॉपिक्स ना लेकर के आए, ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि पर्सनल टॉपिक्स को हम लोग साइड में रखते हैं। एंड सब्जेक्ट शुड बी क्लियर एंड प्रसाइज, बहुत ही छोटी सी बात है, ये जो हम लोग ऑलरेडी कई सारे लेटर्स में पढ़ चुके हैं वही बात यहाँ पर भी बोली गई है। तो ऐसा कुछ नहीं अनोखा जो आप लोगों ने ना पढ़ा हो, ठीक है। और प्रमोशन लेटर में यानी कि आपको ध्यान में रखना है कि भैया प्रमोशन करते हो कोई भी न्यू चीज़ है, कोई भी न्यू थिंग है, उसके बारे में आप क्या कर रहे हो, इन्फो प्रोवाइड करवा रहे हो, ठीक है, आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। टू द पॉइंट बात करो, टू द पॉइंट बात करो, जो भी लेटर लिखो वो क्रिस्प लिखो एंड कंसाइज लिखो। इतनी, ये तो मैं कई बार समझा चुका हूँ, एक्चुअली कंसाइज की स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ मैं, कंसाइज, ठीक है। चलिए, तो बिना किसी देरी के लिख लेते हैं। एक एग्जाम्पल, ब्लैंक पे आते हैं जरा, ब्लैंक PDF, और इसको कर लेते हैं फुल स्क्रीन मोड। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। अब मेरे को क्वेश्चन भी बनाना पड़ेगा, अभी आप लोगों के सामने ही बनाना पड़ेगा ये क्वेश्चन भी। चलिए करते हैं। मान लो क्वेश्चन लिया मैंने, यू आर, आज ए से नाम ले लेते हैं, भानु मैनेजर ऑफ MTC इंटरनेशनल, ठीक है, राइट ए प्रमोशन लेटर टू योर कस्टमर कस्टमर्स अब वैसे कस्टमर ही लिखते हैं, कस्टमर अबाउट द ओपनिंग ऑफ ए न्यू ब्रांच ऑफ योर ऑफिस इन देयर नियर बाय। एक्चुअली ये पूरा ही गलत हो गया, देयर नियर बाई, ठीक है। यहां पर मैं आपको कोई भी, मैं ऐसा कुछ नहीं बता रहा जिसके अंदर आपको प्रमोशन करने के लिए
डिस्काउंट की बात हो, रेट की बात हो, प्रमोशन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कर रहा। सीधा आप नया ब्रांच ऑफिस खोलना चाहते हो तो इस वजह से। अब इसका आंसर लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग क्या, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एड्रेस। एड्रेस मेरे पास है नहीं तो हम लिखते हैं अपना फेवरेट एड्रेस, एग्जामिनेशन हॉल, न्यू दिल्ली। डेट लिख लेते हैं आज की, सितंबर 22, 2021। ठीक है, कोई भी एक एड्रेस ले लेते हैं। मिस्टर सिंह, मैनेजर, और मैनेजर MNK लिमिटेड, बोरीवली, मुंबई। ऐसे ही एड्रेस डाल रहा हूँ भैया। देखो, अगर इस एड्रेस का किसी के साथ भी कोई भी संबंध हो तो प्लीज मुझे ना बताएं, क्योंकि ये मैंने जस्ट एम ही दिया है, आई डोंट नो। अगर किसी का भी लगता है ऐसा कि ये सेम मैच हो जाए, प्लीज, मेरे को नहीं पता, मैंने बस ऐसे ही रैंडम डाला है। ठीक है, वैसे होगा ही नहीं, इतना अजीबो गरीब एड्रेस है, बट फिर भी। देन हम लोग क्या करते हैं कि भैया सैल्यूटेशन हमें पहले डालनी है, तो डियर सर या रिस्पेक्टेड सर, जो भी। फिर उसके बाद हम लोगों को सब्जेक्ट डालना है, अबाउट ओपनिंग, नहीं अच्छा नहीं लग रहा ये ओपनिंग, ये तो जैसे बड़ा अच्छा लग रहा है। ओपनिंग ऑफ ए न्यू ब्रांच। ठीक है, आई एम फीलिंग, चलो फीलिंग को हटा दो। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट आवर ऑफिस इज ओपनिंग ए ब्रांड, क्यों लग रहा हो, ए न्यू ब्रांच इन योर एरिया विच विल हेल्प अस इन मैनी वेज। ये मैंने ओपनिंग कर दी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग क्या करते हैं, 2 से 3 लाइन की ओपनिंग का पहला ग्राफ, पहला पैराग्राफ, 6 से 8 के लिए दूसरा, और फिर 2 से 3 के लिए लास्ट वाला। तो यही हमें फॉर्मेट फॉलो करना है, ये हमने 2 से 3 लाइन वाला लिख लिया। ठीक है, कितने वर्ड हो गए वैसे ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 8 या 24 तो हो ही गए ना। ठीक है, 24 वर्ड हो गए, काफी है इतना, 24, 25। फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम इट वॉज वन ऑफ आवर बिगेस्ट कंसर्न टू ओपन ए ब्रांच इन योर एरिया, बट फाइनली वी आर वेरी हैप्पी दैट दैट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ फ्रॉम नेक्स्ट मंथ वन ऑफ
फ्रॉम नेक्स्ट मंथ वी विल हैव ए ब्रांड न्यू ब्रांच इन योर एरिया. वी नो दैट यू वर ऑल्सो फेसिंग प्रॉब्लम ड्यू टू द डिस्टेंस फैक्टर, बट नाउ वी आर हैप्पी, वी आर हैप्पी दैट नाउ वी कैन फैसिलिटेट फैसिलिटेट आवर पार्टनरशिप कह लो, या फिर आवर वर्किंग कह लो, आवर कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स कह लो, कुछ भी कह लो, आवर पार्टनरशिप और बिजनेस रिलेशनशिप, बिजनेस रिलेशनशिप इन मच मोर एफिशिएंट वे. तो यहां पर मैंने सिर्फ क्या बातें की है, इतने में ये 6 से 8 लाइन हो गई, इतने में मेरा काम हो जाएगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 के करीब है, 10 के हिसाब से लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ तो 70 और 6 76 80 तो हो ही गए ना, और ऊपर के भी 20 है, तो अप्रोक्सीमेटली तो 100 हो ही गए. अब लास्ट पैराग्राफ लिखूंगा, बात खत्म हो जाएगी. अब हमने यहाँ तक ये बात तो कर दी कि भैया पार्टनरशिप एफिशिएंट वे में हम और अच्छे से अपना बिजनेस रिलेशनशिप जो है फैसिलिटेट कर पाएंगे, ठीक है. वी वुड बी वेरी हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू, हियर फ्रॉम यू एंड फ्रॉम नेक्स्ट मंथ ऑल आवर बिजनेस ट्रांजैक्शंस विल टेक प्लेस फ्रॉम आवर न्यू ब्रांच, ठीक है. ये मैंने छोटा सा लिख दिया कि भैया देखो ऐसा है कि मेरे को अच्छा लगेगा आपकी तरफ से सुन करके, आशा करता हूँ कि आप भी जवाब देंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन वगैरह के, और बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है अगले महीने से हम लोग न्यू ब्रांच में ही हैंडल करेंगे. अब ऊपर ही एड्रेस में मैंने न्यू दिल्ली और बोरीवली मुंबई लिख दिया था, जहाँ हालांकि मुझे मुंबई की जगह महाराष्ट्र लिखना चाहिए था, तुम लोगों में से भी कोई बता नहीं पाएगा मुझे, ये मेरे पता था, ध्यान नहीं दिया तुम लोगों ने भी. बोरीवली मुंबई लिखा है ना, तो यहाँ पर साथ साथ महाराष्ट्र भी आना चाहिए, क्योंकि स्टेट तो महाराष्ट्र है ना, स्टेट क्या है, स्टेट तो महाराष्ट्र है, ठीक है. तो बोरीवली मुंबई महाराष्ट्र होना चाहिए, ज्यादा दूर नहीं, महाराष्ट्र में यहाँ पर लिख सकता था, तो आप समझ ही गए हो क्या बोलना चाहता हूँ. तो बोरीवली मुंबई महाराष्ट्र होना चाहिए था पूरा एड्रेस, ठीक है. तो ये हमारा हो गया, अब हम लिखेंगे सिंपल, ज्यादा लंबा चौड़ा करना नहीं है. थैंक यू, योर्स सिंसियरली, क्या नाम लिया था मैंने ऊपर, एक तो ये बड़ी कंफ्यूजन है, नाम क्या लिया था, भानु, ओ माय गॉड, मैंने लिया था ये नाम, पता नहीं क्या सोच के लिया था. योर सिंसियरली भानु, जो भी, अब मैंने चौधरी सिंह नहीं लगाया तो यहां पर आप छोड़ दोगे, सीधा लिखोगे
मैनेजर, MTS, MTC था ना शायद, MTC था या MCT था, जो भी था, MTC दिल्ली। ठीक है, तो ये था हमारा लेटर, प्रमोशनल लेटर टाइप 5। उसके बाद दो और टाइप के लेटर हमारे पास बचते हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद हम लोग इसी चैप्टर के अंदर सर्कुलर और मेमो है, वो भी दो अलग अलग सेपरेट वीडियो से पढ़ेंगे, यानी कि अभी चार वीडियोज और आएंगी इस चैप्टर के। उसके बाद ये चैप्टर ओवर होगा, एंड देन उसके बाद मैं अपना 11th चैप्टर पर चलूंगा, जो कि मेल्स का है, देन रेज्यूमे एंड देन मिनट्स ऑफ मीटिंग। ठीक है, तो तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स को भी देखना चाहिए, दोस्तों को भी देखना चाहिए, परिवार को भी देखना चाहिए, तो शेयर करें। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो भाई, अब तो कर दो। एंड दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू फिनिश माई 5th वीडियो फॉर दिस प्लेलिस्ट। बी हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू फॉर योर टाइम।